मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और एक घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही एक दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे एक दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्र के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कह कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने कहा, पी सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद के संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए।